सोसाइटी ने यार 7 बिलियन लोग हैं, काफी सारी चीजें कर रखी थी, तो कुछ बिलीफ बना रखे हैं। आपको अपने बिलीफ खुद बनाने हैं, उनमें हेल्प करेंगी आपकी किताबें। एक किताब को 10 बार पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे मात्र 10% रिटेन कर पाओगे, ये एक फैक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हमारी सारी जितनी भी किताबें उनके से नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नोट्स मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, कोई भी किताब है उसके ऐसे नोट्स बना लेंगे, ठीक है, 2 से 3 पन्नों के अंदर ये आपके नोट्स बन जाएंगे। तब क्या है, इतनी मोटी मोटी किताबें बार बार तो पढ़ी नहीं जाएंगी, पर इनको तो मैं बार बार रिवाइज कर सकता हूँ। प्लस आज ये हमारा जैसे 53rd सेमिनार है, तो वहां से भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप बार बार उन चीजों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब वो जाके आपके दिमाग में रिटेन होंगे। जैसे इस सेमिनार में मैंने जो भी चीज बोली, आप 80-85% चीजें पहले से ही जानते थे, मतलब 10-15% चीज शायद ही कोई फैक्ट बेस्ड आपको नया पता चला हो। हम भूल जाते हैं, ये सेमिनार भी आप भूल जाओगे कल परसों तक। जैसे कि आपको कल रात का खाने नहीं पता कौन सी सब्जी बनी थी, ये सेमिनार भी आप भूल जाओगे। तो समझदार व्यक्ति वो है जो कि अपना मिशन स्टेटमेंट लिखे, आप यहाँ से जो चीजें सीखे उन्हें भी एक किताब में लिख लें और उस पेज को फिर 5 से 7 बार पढ़ लें, जैसे हम बोर्ड एग्जाम में रट्टा मारते थे कुछ उसी प्रकार से, और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। एट द एंड कोई चीज मैटर नहीं करेगी, एक्शन मैटर करेगा। आपने एक्शन लिया नहीं, 3 स्टेप प्रोसेस समाप्त करते हैं, 33 मिनट ले लिया हमने। स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग। जो भी सपना लिया मल्टीप्लाई इट विद 10, तो 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का नंबर वैसे ही जनरेट हुआ है। ड्रीम बिग। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट टुडे। जो भी आपके पास रिसोर्स है उनसे स्टार्ट करें, जो भी है, कुछ भी नहीं है तो पन्ने पे लिखो कि मैं ये चीज करूंगा। स्टेप नंबर 3, बी कंसिस्टेंट, रुको मत, बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल चश्मा पहन लो अपना, ठीक है।